हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या करें कि आपकी पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ जाए। क्योंकि दोस्तों, बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आपके रिलेशनशिप को एक महीना दो महीना हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यू बात होती रहती है, लेकिन आपकी पार्टनर आपसे मिलने के लिए नहीं आती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन से तरीके अपनाने चाहिए, कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से लड़की को आपसे मिलने आना ही पड़े, ठीक है, वो कोई भी बहाना बना ही ना पाए। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनका यूज़ करके आप अपनी पार्टनर को मिलने के लिए बुला सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अपने पार्टनर को आपको मिलने के लिए बुलाना है तो उस टाइम के लिए या उस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहला जो तरीका है कि अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, एक तरह से लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे मिलने के लिए बुला सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखो, इमोशनली ब्लैकमेल तो हर कोई करता है, खासकर लड़कियाँ तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। मोस्टली लड़कियाँ इमोशन ब्लैकमेल करके किसी भी लड़के से अपना काम निकलवा लेते हैं, ठीक है, जो बात नहीं कर माननी होती है वो भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि लड़की से फ़ोन पे बात करनी है, अपनी पार्टनर से बात करते समय आपको एक तरह से इतना ज़्यादा उसे इमोशनल कर देना है जिससे उसे आपके से मिलने के लिए आना ही पड़े। अब इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि अगर वो आपसे मिलने के लिए मना करते हैं तो वहाँ पे आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हो, यार तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो, आखिर मैं तुम्हारा हूँ ही कौन जो तुमसे मिलने आओगी, ठीक है। और इन बातों को या इस तरह की बातों को बहुत ही सीरियसली वे में बोलना है, ठीक है, एक तरह से इमोशंस के साथ बोलना है जिससे लड़की भी इमोशनल हो जाए। तो इस ये तरीका अपनाओगे तो लड़की कभी भी आपको मिलने के लिए मना नहीं करेगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो, ठीक है, आपने कई बार अप्रोच कर लिया लेकिन वो फिर भी बार बार मना कर देती है, तो उस टाइम पे आप छोटी सी इमरजेंसी का बहाना बनाकर उसे मिलने के लिए बुला सकते हो। जैसे कि फ़ोन पे बात करके आप ये बोल सकते हो, यार छोटी सी इमरजेंसी हो गई है, प्लीज़ क्या तुम आ सकते हो। तो वो पूछे क्या हो गया, बताओ तो सही। तो वहाँ पे आपको बताना नहीं है, बस आपको ये बोलना है, बस आ जाओ, आ जाओगी तब मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरीके से आपको बोलना है। तो ये बहाना जब आप अपनाओगे ना तो लड़की पक्का आपसे मिलने के लिए आएगी। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप इमरजेंसी का बहाना बना रहे हो तो इतनी बड़ी इमरजेंसी भी नहीं बनानी है कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया है या फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, नहीं, छोटी मोटी बहाना बना के आप उसे मिलने के लिए बुला सकते हो। और लेके जब वो लड़की आएगी तो उसके लिए आपको पहले से छोटा सा गिफ्ट या उसके लिए छोटी सी सरप्राइज पार्टी इस तरह से अरेंज करके रखना है। क्योंकि अगर आप झूठ मूठ का ऐसे बोलोगे कि हाँ इमरजेंसी हो गई थी तो वो उस टाइम तो आ जाएगी, बट अगर आप दोबारा इस तरीके नाम लोग बोलोगे ना कि इमरजेंसी का बहाना करके उसे बुलाओगे तो दोबारा कभी भी वो मिलने के लिए नहीं आएगी। तो इसीलिए छोटा सा सरप्राइज या छोटी सी पार्टी उसके लिए अरेंज करके रखनी ताकि वो मिलने के लिए आ जाए। इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो तो उसे बुलाने के लिए उसके मन में या उसे ये रियलाइज़ करवाओ कि अगर वो आपसे नहीं मिलते हैं तो आप उससे दूर चले जाओगे, ठीक है। एक तरह से उसके दिल में आपके खोने का डर आपको ये रियलाइज़ करवाना है, ये एहसास कराना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि उस लड़की के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से बात करते रहा करो, या सिर्फ उसी के बारे में मत बात करा करो, जब आप उससे बात करते हो तो अपनी फ्रेंड्स के बारे में बात करो जिससे उसे लगता रहे कि हाँ आप और भी लड़कियों से बात करते रहते हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसके मन में ये रहे कि हाँ अगर वो आपसे बात नहीं करती है, वो आपसे मिलने के लिए नहीं आती है तो इन फ्यूचर में आप उसे छोड़ भी सकते हो, आपसे दूर भी जा सकते हो। तो ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो भी आपकी पार्टनर मिलने के लिए आ जाएगी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।